أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته How are you all? I hope all of you will be fine and in good health. Today I am going to teach you science of grade 3 for the lecture number 8. First of all, recite dua with me. Rabbi zidni ilma. Ae mere Rab, mere ilm mein azafa farma. Now move towards your planner. Week 9, you have to mention date and day in third and fourth block of week 9 and fourth block of week 10. Now open workbook page number 35. This working is a remaining part of our lecture number 7. Mention date and day on top of page. Answer these questions. Question number 1. What is life cycle? What is life cycle? A series of changes in life of an organism. Kisi bhi organism ki life mein jo changes hoti hain from birth to death is called life cycle. लाइफ साइकिल कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी ज़िंदगी से मौत तक जो चेंजेस आती हैं जो स्टेजेस आते हैं वो लाइफ साइकिल कहलाता है. हाउ डू फ्रॉग्स कैच द इंसेक्ट्स? फ्रॉग जो हैं वो इंसेक्ट्स को कैसे कैच करते हैं, कैसे पकड़ते हैं? फ्रॉग्स कैच द इंसेक्ट्स थ्रू लॉन्ग स्टिकी टंग. फ्रॉग की एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिससे वो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई आर बेबी बर्ड्स अनएबल टू फीड देमसेल्व्स? बेबी बर्ड्स जो हैं वो खुद कैसे अपनी खुराक नहीं बना सकते, खुद कैसे खा नहीं सकते? बेबी बर्ड्स अनएबल टू फीड देमसेल्व्स बिकॉज दे आर ब्लाइंड एंड कैन नॉट फ्लाई. वो ब्लाइंड होते हैं और वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो उड़ नहीं सकते. कम टू द नेक्स्ट पेज. मेंशन डेट एंड डे. Put the life cycle of dragonfly in right order here. We have life cycle of dragonfly. But this life cycle of dragonfly, you have to put this in right order. Here we have different stages of life cycle of dragonfly. These are eggs. Eggs are first stage of life cycle of dragonfly. And next, larva hatch out of the eggs. Second stage is larva and third stage is molt and the last stage is dragonfly. Next, draw the caterpillar. This one is your homework. You have to draw caterpillar here. Next, also write the names of at least two insects that have caterpillar face. You have to write names of two insects that have caterpillar face. Butterfly and house fly are insects that have caterpillar face. Now open science reading book. Reading book page number 42, unit 5. Our topic is life cycle of a plant. Life cycle of a plant. Plant ka life cycle. Plant ke life cycle. Let's start reading. First, I am going to tell you about प्लांट्स. प्लांट्स आर यूज़फुल. प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, यानी कि हमारे लिए यूज़फुल कैसे होते हैं? दे आल्सो मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल. और वो हमारी वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं. प्लांट्स जो हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स, ग्रेन्स और सीड्स. प्लांट्स से हम क्या हासिल करते हैं? फ्रूट्स. हम डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स खा रहे होते हैं, उनके स्टेम खाते हैं, उनकी रूट्स खाते हैं और प्लांट्स से ग्रेन्स ले रहे होते हैं, ग्रेन्स और उनसे सीड लेते हैं जो हम अपनी खुराक के तौर पर उन्हें यूज़ करते हैं. मैनी प्लांट्स जो हैं उनसे हम प्लांट्स से हम डिफरेंट थिंग्स भी बना रहे होते हैं. और जैसा कि प्लांट्स से हम वुड लेते हैं और वुड को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए. नाउ स्टार्ट रीडिंग. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. They differ greatly in size, shape and the type of environment in which they live. Plants जो हैं वो producer होते हैं. क्यों producers होते हैं? क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं. और they differ in size, उनका size और उनकी shape में difference होता है.
और उनके बाद उसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं. नेक्स्ट प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स सच एज फ्लावर्स फ्रूट्स सीड्स वेजिटेबल्स स्टेम्स लीव्स एंड रूट्स. प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि फूल फल बीज सब्जियां स्टेम लीव्स और रूट्स. लुक एट एनी गार्डन द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर्स. अगर आप किसी बाग में देखें किसी गार्डन में देखें तो आप जो सबसे पहले चीज़ जो आप नोटिस करते हैं वो आप फ्लावर्स को नोटिस करते हैं, फूलों को नोटिस करते हैं. फ्लावर्स फ्लावर्स क्या हैं, फ्लावर्स आर लवली कलरफुल एंड ऑफन स्मेल स्वीट. फ्लावर्स जो होते हैं वो प्यारे कलरफुल रंगीन होते हैं और उनकी उनकी स्वीट स्मेल होती है. ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस और मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. तमाम फूल जो हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, सीड्स से आते हैं, बीज से. और फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में और या उन्हीं जैसे न्यू प्लांट्स बनाने में उनकी हेल्प करते हैं. हेयर वी हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट ऑफ वाटरमेलन. वाटरमेलन प्लांट फर्स्ट अ टिनी बर्ड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट. दिस वन इज स्टेम ऑफ वाटरमेलन. फर्स्ट क्या होता है कि एक टिनी बर्ड अपीयर होता है, नमूदार होता है किस पे, प्लांट की स्टेम पे. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर. वही जो बर्ड होता है वो ग्रो करके फ्लावर बन जाता है, फूल बन जाता है. और नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, लेटर ऑन द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट. वो जो बर्ड अपीयर होता है उसके बाद वो फ्लावर बन जाता है और वो फ्लावर जो है वो ग्रो करके एक फ्रूट बन जाता है. नेक्स्ट फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्रूट मीन फल एंड सीड्स मीन सीड मीन बीज. फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स. फ्रूट्स कंटेन सीड्स. नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स. अब फ्रूट्स कैसे ग्रो करते हैं, कहाँ से ग्रो करते हैं, फ्रूट्स जो हैं ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से. फ्रूट्स में सीड्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि तमाम फ्रूट्स में सीड हों. नॉट ऑल फ्रूट्स हैव सेम नंबर ऑफ तमाम सॉरी ऐसा नहीं है कि तमाम फ्रूट्स में सेम सीड्स हों. जैसा कि मैंगो में अगर एक सीड है तो बाकी फ्रूट में, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, तो उसमें एक सीड नहीं होता. इसका मतलब यह है कि तमाम फ्रूट्स में सेम नंबर ऑफ सीड्स नहीं होते. सम लाइक द मैंगो हैव ऑनली वन लार्ज सीड. अब मैंगो जो है उसमें एक ही सीड होता है, एक लार्ज सीड होता है. अदर्स लाइक पपाया हैव मैनी टिनी सीड्स. और पपाया जो है फ्रूट जो है उसमें बहुत सारे टिनी छोटे छोटे सीड्स होते हैं. सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्किन एंड फ्लैश ऑफ फ्रूट. अब जो है वो सीड्स किस से प्रोटेक्ट होते हैं, स्किन से प्रोटेक्ट होते हैं. उनकी स्किन होती है और फ्लैश ऑफ फ्रूट. ये फ्लैश ऑफ फ्रूट का मतलब ये है कि वही फ्रूट के अंदर छुपे हुए होते हैं, उस फ्रूट के अंदर होते हैं. वो जो फ्रूट का पार्ट है उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फ्लैश ऑफ फ्रूट. व्हेन अ फ्रूट इज ब्रोकन ओपन और ड्राइज अप इट्स सीड्स मे फॉल इन टू द सॉइल नियर द प्लांट. अब ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि फ्रूट कोई फट जाते हैं कि तोड़ फोड़ हो जाती है, ख़राब होकर गिर जाते हैं दरख्त से और या सूख जाते हैं. उनके सीड्स जो होते हैं वो उसी प्लांट के करीब ही सॉइल में मिट्टी में गिर जाते हैं और वहाँ से ही ऐसा होता है कि उसी के पास एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है. सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मेनी वेज. सीड्स जो हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से डिस्पर्स होते हैं, बिखरते हैं. सम सीड्स हैव विंग्स एंड आर कैरिड बाय द विंड टू प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द प्लांट. अब कुछ सीड्स जो होते हैं उनके विंग्स होते हैं. कैसे विंग्स होते हैं, अब जब विंड हो रही होती है, हवा होती है, तो क्या होता है कि उस हवा में वो जो प्लांट्स जो होते हैं वो उन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. कैसे, हवा की हवा के ज़रिए. सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमंस एंड प्लांटेड इन द सॉइल. कुछ जो सीड्स के विंग्स होते हैं और विंग्स की वजह से वो जब हवा होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. और कुछ सीड्स जो होते हैं वो जिनको इंसान कलेक्ट करते हैं, जमा करके रखते हैं और उनको जमा करने के बाद सॉइल में प्लांटेड. कैसे प्लांट करते हैं, सॉइल में उनको 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 उनका बीज बोते हैं. ठीक. नेक्स्ट सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स. अब
अलॉन्ग विद फ्रूट्स एंड सीड्स आर एक्सक्रीटेड. अब सीड्स जो हैं वो उन कैसे ईटन बाय एनिमल्स. अब एनिमल्स जब कोई फ्रूट खा रहे होते हैं तो उस फ्रूट में सीड्स भी होते हैं. अब वो फ्रूट्स जब वो खाते हैं तो उनके सीड्स भी वो साथ खाते हैं. अब वो खाने के बाद ये होता है कि वही सीड्स जो हैं वो एनिमल्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं. अब वो एक्सक्रीट जब करते हैं वो उनका जो मैन्योर होता है वो अगर जहाँ कहीं भी वो मैन्योर फेंका जाता है या जहाँ कहीं भी वो मैन्योर होता है तो वो उससे न्यू सीड जो हैं उनसे सॉरी न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं. उनके न्यू प्लांट्स की रिप्रोडक्शन हो जाती है. न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. मैनी सीड्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड. दे कैन बी स्कैटर्ड बाय एक्सप्लोयन. कुछ सीड्स जो होते हैं वो जो स्कैटर्ड होते हैं कैसे बिखरते हैं विंड से. और उसके बाद कुछ सीड्स होते हैं वो जब फटते हैं जैसा कि मतलब कोई फ्रूट फटा उसके सीड्स गिर गए और गिरने से वहीं पे नए जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है. और कुछ ऐसे स्कैटर्ड होते हैं जब वो सीड्स जो हैं वो विंड के ज़रिए बिखर जाते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. सीड्स कैन बी कैरीड बाय वाटर. अब सीड्स जो है वो पानी से भी पानी भी उनको बहा कर ले जाता है. अब फॉर एग्जाम्पल किसी दरिया के करीब किसी झील के करीब किसी नाले के करीब अगर कोई दरख्त है तो उसके सीड्स अगर उसके ऊपर पानी के ऊपर गिर रहे हैं तो क्या होगा कि वो पानी जो है जब पानी बहता है तो वो पानी उन बीज को भी साथ बहा कर ले जाता है. और ऐसा होता है कि वो किसी जगह पर जाकर रुकते हैं जब वहाँ पर साइल हो तो वहाँ पर न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. द फार्मर कलेक्ट सीड एंड प्लांट्स देम इन द साइल. अब फार्मर जो है वो किसान को कहते हैं. फार्मर क्या करते हैं किसान क्या करते हैं सीड्स को कलेक्ट करते हैं जमा करते हैं एंड प्लांट्स देम इन द साइल और उनको ज़मीन में लगाते हैं ताकि वो उनसे न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकें. दे मे बी बरीड बाई एनिमल्स एज अ फूड स्टोर. अब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं उनको अपनी फूड को स्टोर करने के लिए फूड स्टोर के उसके तौर पे वो क्या करते हैं उनको ज़मीन में दबा देते हैं. वो उनको यानी कि वो अपनी फूड स्टोर कर रहे होते हैं ज़मीन में बीज को दबा कर. इट वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर. यू हैव टू लर्न ऑल दिस at your home with your parents. Inshallah, I will meet you in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.